हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस ऑफ आयुर्वेदा एंड हेल्थ टिप्स में। तो चलिए चलते हैं टॉपिक में। आज का टॉपिक है गर्मी के मौसम में सेहतमंद रहने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होगी। भारत के कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है, वैसे वैसे ही हमारे लिए सेहतमंद रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। तेज धूप, पसीना और थकान शरीर को कमजोर बना सकते हैं। इस मौसम में बीमारियां भी तेजी से फैलती है, लेकिन घबराहट नहीं, कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर आप गर्मी का आनंद ले सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में सेहतमंद कैसे रहा जाए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोपहर के समय जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है, उस वक्त खाना बनाने से बचे। रसोई में गर्मी बढ़ने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। सुबह या शाम के समय खाना पकाना ज्यादा बेहतर है। खाना बनाते समय रसोई घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें। इससे गर्म हवा बाहर निकलने में मदद मिलेगी और रसोई में गर्मी कम होगी। गर्मी के मौसम में भारी भोजन से परहेज करें। ज्यादा प्रोटीन से भरपूर खाना और बासी चीजें खाने से बचें। हल्का और पाचन योग्य भोजन लें, जैसे कि दही, चावल, फल, सब्जियां आदि। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें। ये ड्रिंक्स शरीर से तरल पदार्थों को बाहर निकलने का काम करते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। पूरे दिन नियमित रूप से पानी पीते रहे। तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फल खाने से भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। सूती और ढीले ढाले कपड़े पहने। गहरे रंग के कपड़ों से परहेज करें, क्योंकि वो गर्मी ज्यादा सोखते हैं। दोपहर के समय जब धूप सबसे ज्यादा तेज होती है, उस वक्त घर से बाहर निकलने से बचे। अगर जरूरी हो तो छाते का इस्तेमाल करें या कॉटन का स्कार्फ सिर पर बांध ले। गर्मी के मौसम में शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत होती है। रात को पर्याप्त नींद ले। तो गाइस, आज के वीडियो में यही पेंट करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।